तो हेलो गाइस, बीजीएम के अंदर जो मंथ 14 का रॉयल पास आ चुका है और उसी के साथ एक न्यू प्रॉब्लम आया है बीजीएम के अंदर। बहुत सारे लोग मंथ 14 का रॉयल पास उसको अपग्रेड करने के लिए वहां पर जा रहे, तो वो जो रॉयल पास वो अपग्रेड नहीं हो रहा है, वो होम पेज वापस से रिडायरेक्ट होकर आ जा रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम वो क्यों आ रहा है आपके साथ, इसी के बारे में आज इस वाले वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को कम्प्लीट एंड तक वॉच करना, और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अभी बात करते हैं मंथ 14 रॉयल पास के बारे में। तो अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो आप जो खुद से भी जाके चेक कर सकते हो। तो आज ही के दिन आप जिसे गेम के अंदर आओगे, आपको मंथ 14 का जो रॉयल पास वो आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और बात करते हैं मंथ 14 रॉयल पास के रिवॉर्ड के बारे में, आप लोग देख सकते हो कुछ भी न्यू चीज़ नहीं आया, जो भी चीज़ मुझे उतना अच्छा नहीं लगा आप लोग देख सकते हो। अगर आप बात करें रिवॉर्ड के बारे में या फिर इमोट के बारे में, तो पुराना जो भी चीज़ था वही इसको मतलब वापस से डाल दिया। और आप लोग देख सकते हो इस ग्लिच के कारण बैकग्राउंड जो आप लोग देख रहे हो, बैकग्राउंड भी ठीक से वर्क नहीं कर रहा, और मंथ 14 का जो रॉयल पास वो भी ठीक ठाक नहीं है, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। और 50 RP का जो आप लोग देख सकते हो मिथिक आउटफिट, वो भी उतना सही नहीं है आप लोग देख सकते हो। तो अभी गाइस बात करते हैं कि बहुत सारे लोग जो फेस कर रहे हैं रॉयल पास अपग्रेड नहीं हो रहा है। गाइस अगर आप अभी जाओगे रॉयल पास को परचेस करने के लिए, अगर आप अपग्रेड करते हो आप लोग देख सकते हो वापस से बैक होकर होम पेज आ जा रहा है। अगर मैं फिर से जाऊँगा रॉयल पास को अपग्रेड करने के लिए, यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर अपग्रेड के ऊपर क्लिक करता हूँ, अगर मैं परचेस रैंक क्लिक करता हूँ परचेस हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपग्रेड करने के लिए जाओगे तो आपका जो रॉयल पास वो अपग्रेड नहीं होगा, वापस से होम पेज रिडायरेक्ट होकर आ जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम वो आपके साथ नहीं हर एक लोग जो वो फेस कर रहे हैं, और ये जो चीज़ वो क्यों आ रहा है गाइस अभी मैं आपको बता नहीं सकता कि ये जो चीज़ वो क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑफिशियल की तरफ से कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आया। बहुत से लोग कहेंगे कि गेम बैन हो चुका है इसी के वजह से रॉयल पास अपग्रेड नहीं हो रहा है, तो हो सकता है ये भी रीज़न हो। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि गेम बैन हो चुका है इसी के कारण, और आपको पता होगा क्राफ्ट ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि GMI वापस से आ जाएगा। और जितना मुझे लगता है कि आपको पता होगा गेम के अंदर कुछ भी न्यू चीज़ आता है तो उसके साथ बग और ग्लिचेस आते, तो हो सकता है ग्लिच के कारण भी ये जो चीज़ वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा। आप लोग शाम तक वेट करो, शाम तक वेट करने के बाद शायद हो सकता है आप गेम के अंदर जाकर मंथ 14 का जो रॉयल पास उसको अपग्रेड कर पाओ। और जब तक ऑफिशियल की तरफ से कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आता मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता, इसके लिए आपको शाम तक वेट करना होगा। शाम तक आप ट्राई करो, हो सकता है आपका जो रॉयल पास वो अपग्रेड हो जाए, और शाम होते होते शायद से BGMI की तरफ से ऑफिशियल रेस्पॉन्स भी आ जाएगा। उसके बाद ही मैं अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि ये जो रॉयल पास वो क्यों परचेज नहीं हो रहा है। फिलहाल वीडियो पे इतना ही था, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।